कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जिस घड़ी का आपको बेसब्र से इंतजार था साथियों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 संस्कृत का यहाँ पर देखने वाले, देखिए आंसर भी प्रोवाइड कराने वाला। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला। देखिए सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर भर लिए है ना, ये देख लीजिए ना, सभी जानकारी इस पेज पर देखोगे, जहाँ पर देखोगे सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहीं पर समझाऊ, मात्र 2 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा भैया। मेरे को बताया कि 10th क्लास में हो, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है ना, तो जितना हो सके उतना तो रटो है ना। थोड़ा सा बिलर मार रहा है तो आप एडजस्ट स्क्रीन शॉट लेते टाइम ध्यान रखना है ना। कृत्य आ जाएगा, राजा नाम आ जाएगा और रामायण नाम आ जाएगा। जितना हो सके मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा और बाकी जो चीजें याद कराने की वो याद भी यहीं पर करवाने वाला है। रबाभ्यम इति पदे कशी वचनस्य अस्ति, द्विवचनम इदानी वायुमंडलम तो भ्रशम आ जाएगा, आधुलिकेतेषु अव्ययभि नास्ति तो अस्तु आ जाएगा है ना। बड़े तरीके से मेहनत कीजिएगा, पूरा सोल्यूशन 1 से लेकर आपको 23 तक बताने वाला हूँ। साथ में रिक्त स्थान देखिएगा, रिक्त स्थान भी पूरे भर लिए है मैंने है ना, सभी चीजें यहीं पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप तो मेहनत करके अच्छे से स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा मेरे साथ। पर रिक्त स्थान की बात करूँ, पूरे रिक्त स्थान में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, भरोसा रखिएगा। भोजन आ जाएगा, गीता नहीं आ जाएगा। वनम की बात करें तो आपका कानम, चौथा वक्रम और पांचवा में सतलम और छठे की बात करूं तो निहार्त कम आ जाएगा। क्लियर, ये इसी में भरना, मतलब आप यदि भूल भी जाओ ना तो ऊपर आपको दे रहेंगे, ऊपर आपको देंगे भैया कि इसी में स्टिप कर छाप दो, मुफ्त के नंबर ले जाओ है ना, पास हो जाओ। पर आप पास नहीं, टॉप कराऊंगा टॉप है ना। और सही जोड़ी देखिए, सूर्य प्लस उदय क्या आ जाएगा, सूर्य प्लस उदय मतलब आपका सूर्य उदय गुण संधि भैया। त्रिभुवनम तो आपको याद है, त्रिभुवनम में क्या आ जाएगा, दिक्कु समास। सदैव सदा प्लस वृद्धि संधि, हिमालय हिम प्लस आले स्वर दीर्घ स्वर संधि। त्रिमुखी क्या आ जाएगा, दिक्कु समास, बचपन से पढ़ता है वही आपको जोड़ी में पूछेगा है ना, अलग से नहीं पूछने वाला। फिर बोल रहा हूँ, जो कि बचपन में हमने सोल्व कर ली थी वो चीजें आपसे पूछेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना आपको बस। कृतम इतना प्रत्यय पूछते हैं, कृतम में तो तुमुन मैया, गतवान गतवतु गतवतु, कैसा माला रमनिया तो हरित रव ललित नामम माला रमनिया, सर्वदा सर्वकेशु का बालवती तो बुद्धि, मनुष्यम महान रिपु का तो मनुष्य का महान रिपु आलस्य क्या जाएगा, आलस्य। आम नाम पूरे यहाँ पर बताऊ, गमश्यति इतस्मिन पदे लिट लकार अस्ति तो ना, अपश्यान इतस्मिन पदे लिट लकार अस्ति आम है ना, और गच्छामि इतस्मिन पदे एक वचनम अस्ति तो आम, लभन्ते में ना और आम नाम भी यहाँ पर देख लीजिए। देखो मैंने कहा था ना आपको पूरी डिटेल जानकारी बताने वा, केशा माला रमनिया तो हरित ललित नामम, कृषम किम करो तिस्मा बाली द्रव्यम क्षेत्र करणम है ना, वृष्टि में आ जाएगा। पूरी यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। जिस विद्यार्थी को अच्छे संग चाहिए वो यहाँ पर अच्छे से कवर कर सकता है। केन संबंधु नास्ति उद्मेन, ये आपका देखोगे तो 11वां में क्या करोगे, पूरा सेम लिखना है, बस जो आपका यहाँ पर लाइन अंडर है उसको आपको हटाकर उसकी जगह किसम कर देना, राज सिंह को हटाकर का कर देना, मनुष्य पातम की जगह कस्मात कर देना है ना, 12वां कर लेना। 13वें में सभी ने अपने अपने हिसाब से एक श्लोक किया हुआ, 14वें से फिर मैं इतना बताऊंगा आपको है ना, पूरी जानकारी मिलेगी। महामदूत रोचते तो महाम आ जाएगा। आप क्या करोगे, ये पूरा की जगह एक अक्षर नहीं लिखना, एक अक्षर नहीं लिखना, क्या करोगे इस मम को हटाओगे और क्या लिख दोगे, महाम लिख दोगे। पत्रा को हटाओगे तो पत्रानी आ जाएगा, गणेश को हटाओगे गणेश आ जाएगा, बाकी से गणेश आई नमः आ जाएगा। क्लियर, ब्लर मार रहा तो आप स्क्रीन शॉट लेते टाइम ध्यान रखना। जिसे हम यहाँ पर अगला पेज देखेंगे तो आपका ये 15वां आ जाएगा, इसी में रिक्त स्थान एव आपका दूसरा चित्ते और उल्कहा पति निर्पलप चष्टी तो आपका चौथा मित्ते है ना। पूरा सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, ये 15वां है। 16वां क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्रम से, तो घटना क्रम आप देख लेना, मतलब एक स्टोरी दी रही उसको आपको क्रम से जमाना, तो जमा देंगे सभी विद्यार्थी, भरोसा मुझे आप जमा दोगे है ना। ये आपका 17वां, जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे है ना, तो ये देखोगे तो आपका 18वां क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका उसके मतलब 18वां 19वां 20वां 21वां, मतलब 3-3 नंबर कहे उसी में स्टार्टेंगे ना, आपके सीरीज में मिल जाएंगे। ये आपका तो जो आपको जल्दी मिल जाए और जो आपको सरल लगे वो आप छाप देना है ना। यहाँ से हम देखेंगे 19वां, देखो यहाँ पर 19वां 4 लाइन दे दिए, इसी में से आपको ये क्वेश्चन करने ज्ञातवा की दे दी, इसी में से करने ना जो आपको लगे वो उचित कर लेना है ना। बढ़िया से स्क्रीन शॉट लो, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं।
क्लियर, ये 20वां। और आपको भी क्षमा क्या उसमें, आपको भी जल्दी है क्योंकि टाइम ही कितना बचा, फिर आप याद कब करोगे ना। ये उसका आंसर आ जाएगा 21वां, भी मैंने कहा था ना 18वां 19वां 20वां 21वां, उसी में चाटने का है, चाट लो। ये आपका 20वां मुफ्त के नंबर है। देखो भाइयों है ना, यहाँ पर यहाँ पर 22वां एप्लीकेशन हमने पढ़ी, जबकि पढ़ता है साल भर से, और ये निबंध भी पढ़ता है, क्योंकि जो चीजें कंपलसरी आने की वो तो हम कर लेते हैं ना, तो ये जो चीजें तो हमने कर ली है, पर ऐसे मेहनत कीजिए। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए सेट, जहाँ पर संस्कृत अच्छे से मेहनत कराई है, हालांकि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए जो भी देख